Hello, radiographers. I am also a radiographer myself, Amir Sayyed. And today we are going to learn how to use single saline injector. कि single saline injector जो होता है उसमें contrast किस तरह से fill करना है और किस तरह से उसमें fluoride वगैरह set किया जाता है, air किस तरह remove की जाती है, या फिर contrast का syringe अगर change करना है तो किस तरह से change किया जाता है, ये पूरा process आज हम इस video में देखेंगे। तो चलिए start करते हैं। सो रेडियोग्राफर्स, ये मेड्रेड का सिंगल स्लाइंट इंजेक्टर है। सबसे पहले आपको इसके बारे में जानना होगा, ये सिंगल स्लाइंट इंजेक्टर है, इसे सिरिंज कहते हैं। ये सिरिंज है और इसके अंदर ये जो ब्लैक कलर का प्लास्टिक का एक आर्टिकल है, इसे पुशर कहते हैं, जो कॉन्ट्रास्ट को पुश करता है। तो सबसे पहले आपको इस बटन पे क्लिक करके ऑन कर लेना है इसे। ये ऑन हो चुका है, देख रहे हैं आप। ये ऑन होने के बाद में सिंपली आपको नेक्स्ट करना है, इस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आ गए हम। अब इस सीरीज पे हमें कुछ भी चेंज करना है, कुछ भी काम करना है, हमें इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक कर दिए। अब पुशर को नीचे लाने के लिए ये हमें चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज ये सीरीज यूज किया हुआ है तो हमें नया सीरीज लगाना होगा। तो सबसे पहले हमें इसे चेंज करने के लिए पुशर नीचे लाना होगा, तो हमें इस पे क्लिक करना है सिंपली। क्लिक करने से पुशर नीचे आ जाएगा और ये अनलॉक हो जाएगा, जिससे हम इसे चेंज कर सकते हैं, सिरिंज को चेंज कर सकते हैं। तो आप अभी देख रहे हैं ये पुशर नीचे आ रहा है। पुशर नीचे आ चुका है, नीचे आ चुका और अब ये अनलॉक हो गया। अब हम इसे रोटेट करके इस तरह रोटेट करना है और इसे रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद में आपको नया सिरिंज लगाना होगा। मैंने एक नया सिरिंज ले लिया, नीचे से इसे इस तरह से ओपन करना है। ओपन करने के बाद में इसे इसमें फिट करना है और लॉक कर लेना है, इस तरह से रोटेट करके लॉक कर लेना है। और ये जो पुशर है ये ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा, हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब पुशर ऊपर आ चुका है, इसके बाद में इसका क्या हटाना है हमें, और इसके बाद में सिरिंज के साथ में सिरिंज वाले पैकेट में हमें ये जे ट्यूब भी मिलता है। इस जे ट्यूब को इस तरह से ऊपर आपको लगाना है कॉन्ट्रास्ट लोड करने के लिए। और मैंने कॉन्ट्रास्ट का एक बॉटल लिया और सिंपली इस तरह से इसमें लगाना है और इसे कॉन्ट्रास्ट लोड करना है इस तरह से। कॉन्ट्रास्ट लोड हो रहा है, आपको जितना भी ml कॉन्ट्रास्ट देना होगा उससे 10-15 ml एक्स्ट्रा लोड करना है आपको हमेशा। मुझे इस पेशेंट को 40 ml कॉन्ट्रास्ट देना है, पेशेंट का एज कम है तो मैंने कॉन्ट्रास्ट लोड कर लिया, 40 ml से ज्यादा लोड किया हूँ, बट ये एयर भी और ज्यादा है। तो आपको इस तरह से एयर लोड करना है, फिर वापस से एयर निकालना है, बिकॉज अभी ट्यूब के अंदर में कॉन्ट्रास्ट है और अगर मैं यहाँ से ट्यूब रिमूव करता हूँ तो कॉन्ट्रास्ट इंजेक्टर के ऊपर गिरेगा। कॉन्ट्रास्ट इंजेक्टर के ऊपर ना गिरे इसलिए हम पहले एयर क्लीन करेंगे, एयर खाली करेंगे। एयर निकालने की वजह से आप देख पा रहे हैं इसमें से कॉन्ट्रास्ट भी बाहर आ रहा है। इस तरह से आपको एयर रिमूव करना है और इसे रिमूव कर देना है इसमें से, और उसी पैकेट में जे ट्यूब को वापस से डालना है कि इस पर डस्ट वगैरह ना लगे। ये हो गया। इसके बाद में जो एक्सटेंशन ट्यूब होता है जो हम पेशेंट के थ्री वे से आईवी से कनेक्ट करते हैं, हम इसे इस पे कनेक्ट करेंगे। इसे हमने ओपन कर लिया है और इस एक्सटेंशन ट्यूब को इस पे हम अटैच करेंगे। हमने इसका एक एंड अटैच कर दिया और एक एंड मेरे हाथ में, जो कि हम पेशेंट के आईवी पे थ्री वे पे अटैच करते हैं पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट देने के लिए। तो अब ये इसमें वैक्यूम है, ये खाली एम्प्टी है, तो मींस इसके अंदर एयर है, तो हमें कॉन्ट्रास्ट पास करना होगा कि एयर रिमूव हो जाए। तो बॉटल पे इस तरह से आपको इसे लगा लेना है
और इसके बाद नेक्स्ट करना है आपको, नेक्स्ट करना है। आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं जितना भी आपको कॉन्ट्रास्ट फ्लो रेट देना है वो सेट कर सकते हैं, वो हम बाद में करेंगे, पहले हम एयर रिमूव करेंगे। एयर रिमूव करने के लिए ये वाला बटन है, आप इस पर प्रेस करेंगे तो एयर रिमूव होगा। तो आप देख रहे हैं कॉन्ट्रास्ट ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, और ये अब आप देख पा रहे हैं तो इसमें ट्यूब में भी आ रहा है कॉन्ट्रास्ट। आप देख रहे हैं ड्रॉपलेट्स बॉटल में आ रहे हैं। इस तरह से एयर रिमूव हो गया। एयर रिमूव होने के बाद में आपको ये पेशेंट के थ्री वे पे आईवी पे अटैच करना है। मैं जब तक ऐसे लॉक कर लेता हूँ, अटैच करना है, और उसके बाद में आपको जितना भी कॉन्ट्रास्ट सेट करना हो, फ्लो रेट सेट करना हो, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। लाइक मुझे 45 एमएल कॉन्ट्रास्ट दे रहा है, तो मैंने 45 एमएल कॉन्ट्रास्ट यहाँ से सेट किया, और फ्लो रेट 1.5 रखना है मुझे, तो मैंने 1.5 यहाँ से सेट कर लिया, बिकॉज मैं बच्चे का स्कैच करने वाला हूँ, उसका वेट ऑलमोस्ट 35 के अराउंड है, 35 to 36, तो इतना कॉन्ट्रास्ट इनफ है। तो ये हो गया इस तरह से प्रोसेस। इसके बाद में आपको IVP अटैच करना है और आगे स्कैन वगैरह आपको स्टार्ट करना है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस, दैट्स इट।